I welcome you, my dear students, in the e-learning classes of St. Michael's Academy. हम लोगों ने exercise 6.3 similarity of triangle हम लोगों ने start किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं फिर तीन questions लूंगा, एक question सारे सकवाल से और दो questions हमारे NCERT से। आप में से कुछ आपके दोस्तों ने पूछा है कि सर आप बार बार इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रायंगल का नाम सही लिखना सीखना, टू लर्न हाउ टू लर्न टू राइट द नेम ऑफ द ट्रायंगल्स करेक्टली अकॉर्डिंग टू द करस्पॉन्डेंस ऑफ इक्वल साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू द करस्पॉन्डेंस ऑफ प्रोपोर्शनल साइड्स। चलिए उसमें अभी भी कुछ आपके दोस्त लोग कंफ्यूज है, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और उसको आपसे डिस्कस करता हूं कि कैसे हम उस निर्णय पर पहुंचेंगे कि जो हमारे पास तीन कंडीशन है AAA, SAS और SSS, उसमें कौन सा सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है अग्रवाल एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 3rd of 1, इसमें हमको सर पहले ऑब्जर्व करना है कि ये दोनों पेयर ऑफ ट्रायंगल किस कंडीशन के क्राइटेरिया को सिमिलैरिटी के किस कंडीशन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, और फुलफिल करते हैं तो वो कंडीशन हमको मेंशन करना है और प्रूफ करना है, नहीं है तो भी प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आपके साथ इस क्वेश्चन को। हमारे पास दिया है ट्रायंगल ACB, दो साइड दिए 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 80 डिग्री एक एंगल। फिर एंगल दिया PQR 4.5 सेंटीमीटर इज PQ, QR 6 सेंटीमीटर एंड एंगल Q इज 80 डिग्री। तब दोनों क्वेश्चन को जब हम ध्यान से देखते हैं तो हम देखते हैं कि दो साइड्स दिए हुए हैं और एक एंगल दिया हुआ है। तब जब दो साइड्स और एक एंगल दिए हैं तो हमारे पास जो चार ऑप्शंस है, हमारे पास AAA और इसी का एक छोटा सा भाई AA, SAS और SSS। तो जब दो साइड और एक एंगल दिए गए तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये जो ट्रायंगल है, दो पेयर ऑफ ट्रायंगल है, SAS से ही सिमिलर हो सकता है अगर कंडीशन को फुलफिल करता है कि नहीं। तो पहला बात हमने तय कर लिया क्वेश्चन को देखकर और उसके गिवन इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करके कि दिस क्वेश्चन विल फॉलो द थ्योरम SAS। वाई? बिकॉज इट इज इन द पेयर ऑफ ट्रायंगल्स टू साइड्स एंड वन एंगल इज गिवन। अब चलते हैं इसके दूसरे भाग में कि जो आपने पूछा है ट्रायंगल का नाम कैसे लिखना है बच्चों। तो ट्रायंगल का नाम लिखने के लिए आप देखिए, सबसे पहले 80 डिग्री और 80 डिग्री दोनों में है, तो इन दोनों ट्रायंगल में जो एंगल इक्वल है वो है हमारा सी और क्यू। तो पहले कॉरेस्पॉन्डेंस पर हम चर्चा करेंगे। सी का कॉरेस्पॉन्डेंस कौन सा हो गया बच्चों एंगल के मामले में? क्यू हो गया। सी का कॉरेस्पॉन्डेंस क्यू हो गया। अब रेशियो निकालते हैं, 8/6, 8/6 का रेशियो हो जाएगा हमारा 4/3, और 6 और 4.5 का 6/4.5, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 60/45, 15 3 जा 15 4 जा, तो ये दोनों रेशियो इक्वल आ गए। तो रेशियो इक्वल आ गया, अब उस साइड को हम लेंगे, हम अगर हम एसी साइड लेते हैं यहां पर पहले ट्रायंगल से एसी साइड 8, तो दूसरे के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा? 6 लेना पड़ेगा। तो एसी का हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस क्या हो गया बच्चों? क्यूआर हो गया। और सीबी का या बीसी का कॉरेस्पॉन्डेंस क्या हो गया बच्चों? हमारा जो बचा हुआ साइड था हमारा 4.5, दैट इज इक्वल टू PQ। हमने कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल और कॉरेस्पॉन्डेंस साइड को डिसाइड कर लिया। अब इसी कॉरेस्पॉन्डेंस के अनुसार इक्वल करते हुए हमें ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ACB। अब ध्यान देंगे बच्चों, एंड ट्रायंगल, इस एंगल C के इक्वल कौन सा है? इसमें यहां पर दिख रहा है Q है, तो C के इक्वल हम क्या लिखेंगे बच्चों? यहां Q लिखेंगे, क्योंकि C लेटर A और B के बीच में है, सेंटर में है, तो हमारा Q लेटर कहां आना चाहिए? बीच में आना चाहिए। अब हम देखेंगे कि हमारे पास AC के कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है? हमारा QR है। देखिए यहां AC के कॉरेस्पॉन्डेंस हमने डिसाइड किया है QR है, तो हमारे पास इस ट्रायंगल में PQR के लिए, PQ
क्यू आर के लिए हमने क्यू लिख दिया, हमारे पास दो ऑप्शन बचा, पी बचा और आर बचा। अब हमको डिसाइड करना है कि इसके बाएं तरफ हमको पी लिखना है कि आर लिखना है। वो हमको मिलेगा आंसर यहां से बच्चों, क्योंकि एसी का कॉरेस्पॉन्डेंस क्या हुआ हमारा, क्यू आर हुआ। तो हम यहां पर पी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, क्यू लिखे। यहां पर हमने हमको लिखना है आर इन ट्राइंगल आर क्यू और अपने से जो बच गया पी, यानी कि एसी का कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया हमारा आर क्यू क्यू आर, और बीसी का कॉरेस्पॉन्डेंस अपने आप मिल जाएगा। आप देखिएगा बीसी यहां पर हुआ, बीसी का कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया हमारा पी क्यू, ये मिल गया हमको। देखिए बीसी का कॉरेस्पॉन्डेंस पी क्यू हो गया। तो ये चीज आपको सीखना है टू राइट द नेम ऑफ द ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू कॉरेस्पॉन्डेंस इक्वल साइड एंड कॉरेस्पॉन्डेंस प्रोपोर्शनल, इक्वल एंगल्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंस प्रोपोर्शनल साइड। अब हमको शायद फिगर भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब इसमें हम कंडीशन लिखेंगे, यहां लिखेंगे एंगल बीच वाला सी इज इक्वल टू एंगल बीच वाला लेटर क्यू दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। फिर एसी अपॉन पहला दो लेटर हम लिया एसी पहले ट्राइंगल से, अब दूसरे ट्राइंगल से पहला दो लेटर आर क्यू। तो एसी अपॉन आर क्यू क्या हो गया, 8 अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। अब लास्ट वाला दो लेटर बीसी अपॉन पी क्यू, यहां हमने लिया बीसी लास्ट दो लेटर बाएं वाला ट्राइंगल का बीसी, और यहां से हमने कौन सा लेना है लास्ट टू लेटर पी क्यू। तो बीसी हमारा कितना दिया है बच्चों, 6 दिया है और पी क्यू दिया है 4.5। ये हो जाएगा हमारा 60 अपॉन 45 दैट इज इक्वल टू 54 जा एंड 53 जा। तब लिखेंगे सो ट्रायंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर क्यू पी बिकॉज ऑफ द कंडीशन एस ए एस। अब मैं बहुत ही श्योर हूं और मुझे होप है कि आप में से बहुत सारे बच्चे, जिस पर मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि ट्रायंगल का सही नाम लिखना सीखना, वो अभी तक आप सीख चुके होंगे। अब आइए इसी का हम लोग, और मैं बता दूं बच्चों कि इसके बाद आप एरिया थ्योरम पढ़ेंगे, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे, इन सभी में ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं कि हाउ टू राइट द करेक्ट नेम ऑफ द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल विल बी यूटिलाइज इन ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड थ्योरम followed by this exercise and also in the questions of this exercise। चलिए तो आप सीख गए होंगे। अब चलिए दो क्वेश्चन हम लोग बहुत जल्दी से आप फटाक से बना लेंगे। अब चलिए ये हो गया हमारा एनसीईआरटी के 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक ट्रायंगल दिया है टी क्यू आर, दो एक पॉइंट है पी क्यू टी पर, एस पर एस है लाइन क्यू आर पर। हमारे पास दो कंडीशन दिए हुए हैं, देखो बच्चों क्यू आर अपॉन क्यू एस is equal to QT upon PR is our angle 1 is equal to angle 2। तो हमको प्रूव करना है PQS, PQS is similar to TQR। एक और मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं, जब भी कोई रिडक्शन में कोई गिवन कंडीशंस रहता है बच्चों, हमेशा याद रखना उस गिवन कंडीशन का कुछ ना कुछ एप्लीकेशन, कुछ ना कुछ यूज जरूर रहता है। हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिए हुए हैं, इसी से हम इसकी शुरुआत करेंगे। प्रूफ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो अगर बेस एंगल इक्वल है तो उसके साइड्स इक्वल होंगे, तो हम लिखेंगे PQ इज इक्वल टू PR। इससे हमको मिल गया PQ इज इक्वल टू PR, क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सो PQ इज इक्वल टू PR इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखो बच्चों कितना आसान हो गया, इस पी क्यू को जो ये वैल्यू यहां पर है, इस पी आर वैल्यू को यहां जो दिख रहा है, इसको रिप्लेस हमको कर देना है पी क्यू से, और गिवन कंडीशन लिखेंगे क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर।
अब इस पी आर को रिप्लेस करेंगे हम इक्वेशन वन से, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन, यहां लिखेंगे हम पी क्यू, क्यों? क्योंकि हमने अप्रूव किया है पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, हमने क्या किया पी आर को रिप्लेस किया पी क्यू से। अब इस स्टेटमेंट पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा, क्यू आर और क्यू टी के बीच कौन आंसर एंगल है, देखिए क्यू क्यू आर और क्यू टी के बीच में है एंगल क्यू, फिर से क्यू आर और क्यू टी के बीच में, क्यू आर और क्यू टी के बीच में कौन सा एंगल है एंगल क्यू, क्यू एस और पी क्यू के बीच में, क्यू एस और पी क्यू पी के बीच में कौन सा एंगल है एंगल क्यू, इससे हम क्या लिखेंगे एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू दैट इज कॉमन। अब इन दोनों से हमको मिल गया सो ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर बिकॉज ऑफ एस ए एस। एक और ट्रिक मैं बताऊंगा, जब भी आप इक्वेशन लिखोगे बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी आप इक्वेशन लिखोगे प्रोपोर्शनल साइड के, तो जो न्यूमरेटर में साइड लिखोगे, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो न्यूमरेटर में साइड लिखोगे वो एक ही ट्रायंगल का साइड होगा। देखिए क्यू आर सॉरी क्यों हाँ क्यू आर और क्यू टी ट्रायंगल पी क्यू आर का साइड हो गया, जो डिनोमिनेटर में साइड लिखोगे एल एच एस और आर एच एस में वो एक ही ट्रायंगल के साइड होंगे। देखिए यहां क्यू एस और पी क्यू, क्यू एस और पी क्यू किसके होंगे पी क्यू एस के। तो एक चीज आपको सीखना है, जब भी आप प्रोपोर्शनल साइड लिखेंगे LHS और RHS में, तो न्यूमरेटर में जो साइड्स होंगे वो एक ही ट्रायंगल के होंगे और डिनोमिनेटर में जो साइड्स होंगे वो दूसरे ट्रायंगल के होंगे, याद रखना इस चीज को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बस 2 मिनट लगेगा बच्चों। अब इस क्वेश्चन को देखिए यहां, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी क्यू आर आपके पास 2 पॉइंट है, एस इज ए पॉइंट ऑन पी आर और T is a point on QR. एक ही कंडीशन दिया है कि एंगल P is equal to RTS. एंगल P is equal to RTS. तो हमको इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव करना है, तो हमारे पास ये ऑप्शन है AAA, SAS और SSS. तो जब इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं या गिवन फैक्ट्स को देखते हैं, तो हमारा सोच जाना चाहिए इन तीनों में से किसको पकड़ना है। तो जब कंडीशंस ऑफ क्वेश्चंस को हम ऑब्जर्व करते हैं तो कहीं भी साइड की चर्चा नहीं है, नो वेयर द मेजरमेंट ऑफ साइड और प्रोपोर्शनल इज साइड इज गिवन, साइड की चर्चा है ही नहीं। तो हमारा अपने आप ये दोनों थ्योरम जो रहेगा एसएएस और एसएसएस कैंसिल हो गया बच्चों, क्योंकि इसमें किसकी चर्चा है केवल एंगल की चर्चा है। तो केवल एंगल की चर्चा अगर है, केवल एंगल के विषय में दिया गया है, तो हमारा ध्यान अर्जुन की तरह चिड़िया पर नहीं चिड़िए की आंख पर होना चाहिए, और चिड़िया की आंख यहां क्या है हमारा थ्योरम ए ए ए या ए ए है। अभी समझ गए, तो क्वेश्चन को देखना है, उसके फैक्ट्स को ऑब्जर्व करना है और एलिमिनेट करते जाना है अपने ऑप्शंस को। तो हमने इन दोनों को एलिमिनेट कर लिया और आप बच्चे बन गए हैं अर्जुन, और अर्जुन के लिए आंख क्या हो गया हमारा ए ए ए या ए ए। अब चलिए देखिए 2 लाइन में 2 स्टेप में ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ होगा। प्रूफ इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। चलिए हमने यहां देखा है कि एंगल पी किसके इक्वल है एंगल टी के, यहां देखिए ये दिया हुआ है कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस दैट इज गिवेन। अब इन दोनों ट्रायंगल को देखिए आर पी क्यू, आर पी क्यू, आर टी एस, ये आर पी क्यू और आर टी एस में जब बोल रहा हूं तो इसमें कौन सा लेटर कॉमन है दोनों में, आर पी क्यू आर टी एस कॉमन इज लेटर आर। अब एंगल आर को हम लोग डिस्कस करेंगे, चलिए तो आर पी क्यू में एंगल आर हो गया ये वाला एंगल हमारा, आर पी क्यू में एंगल आर हो गया, आर टी एस में भी एंगल ये हो गया आर,
विच मीन्स एंगल आर इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स. सो यहां लिखेंगे एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर विच इज कॉमन. सो ट्रायंगल आर टी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस बिकॉज ऑफ ए ए. कितना आसान है बच्चों, बस आपको अर्जुन बनना है. अर्जुन जिस तरह से चिड़िया नहीं देखता है, चिड़िए की आंख देखता है, आपको क्वेश्चन के कंडीशन को समझना है और उसमें चीजों को एलिमिनेट करना है और जो चीज आपके लिए जो आपका तीर है उसको पकड़ना है और उस तीर से आपको सीधे निशाने पर लगाना है. मैं सोचता हूं कि आप बच्चे अब थोड़ा बहुत जानने लगे होंगे, सीखने लगे होंगे, सीख गए होंगे. तो आइए 6.3 को आप कंप्लीट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स लूंगा. और अपना काम ओनली यू हैव टू डू ओनली इन स्कूल कॉपी, नॉट इन अदर कॉपी. थैंक यू वेरी मच.